ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए बागली थाना क्षेत्र के गांव गुवाड़ी से 35 किलो गांजे के पोते जब्त किए हैं। थाना प्रभारी बीडी बीरा द्वारा मुखबिर की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में क्षेत्र में पहली बार इतनी कार्यवाही की गई। आरोपी सुरेश भिलाला ने अपने खेतों में गांजे के पौधे लगा रखे थे, जिन्हें वह काट कर घर ले आया था। जानकारी लगने पर थाना प्रभारी द्वारा टीम के साथ दबिश दी गई और मौके से गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। जब्त गांजे के पौधों की कीमत 3,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं मामले की जांच की जा रही है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हाँ, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देहात के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार चला जा है। ऑपरेशन प्रहार के तहत सूचना प्राप्त हुई थी, ग्राम गुवाड़ी में सुरेश पिता पहाड़ सिंह माली ने अवैध रूप से काफी मात्रा में गांजा लगा रखा था और वर्तमान अभी काट के घर पे पीछे सुखा रहा है। इसकी सूचना पर स्टाफ के साथ वहाँ जाके तस्दीक की तो उसके घर के पीछे रस्सी साड़ी और शाल में काफ़ी मात्रा में गीला गांजा रखा हुआ पाया गया, जिसे मौके पर उसके लाइसेंस न मिलने पर वो करीब 35 किलो गांजा अवैध मादक पदार्थ उससे बरामद कर उसके खिलाफ नारकोटिक्स अधिनियम की कार्रवाई की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ चल रही है और उसके न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।